नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। दोस्तों अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाए ताकि ऐसे ही वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। दोस्तों कलयुग में भगवान हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा असरदारी बताई गई है। इनकी पूजा से सबसे पहले फल प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पुराणों में जिक्र मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी जीवित रहेंगे और ऐसा वास्तव में है। दरअसल दोस्तों भगवान श्री राम जी और माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दिया कि वह कलयुग में चिरंजीवी रहकर यानी धरती पर अमर रहकर भक्तों के कल्याण करेंगे, उनके दुख को सुनेंगे, उनकी पूजा द्वारा उनके दुख को हरने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो दोस्तों कलयुग में यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी असर दिखता है। हनुमान जी की पूजा से साक्षात मृत्यु भी थर थर कांपती है, यानी मृत्यु भी आपके निकट नहीं आती। ऐसा ही एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी परेशानी रोग पीड़ा इत्यादि को तुरंत दूर कर देगा। हनुमान जी का यह शक्तिशाली मंत्र इतना चमत्कारी बताया गया है कि पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम जी ने रावण के अंत के लिए यह मंत्र पढ़ा था। तभी तो लंकापति रावण और महादेव का परम भक्त होने के बावजूद, अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद रावण श्री राम जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। दोस्तों हनुमान जी के इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपके पुराने से पुरानी बीमारी, यानी यदि आप किसी बीमारी से सालों से ग्रसित है और वह जाने का नाम नहीं ले रही है तो दोस्तों इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ लें, आपकी वह बीमारी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं या कोई परेशानी आपके जीवन में लगी है तो हनुमान जी का यह महामंत्र आपके उन सभी परेशानियों को दूर कर आपके लिए धन के रास्ते खोल देगा। स्वयं कुबेर देव अपना खजाना आपके लिए खोल देंगे। दोस्तों जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह एक दिव्य सूक्ष्म शक्ति आपके चार ओर बना देता है और इस शक्ति के कारण ही जितनी भी नेगेटिव और नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि हम कहें कि बुरी नज़र बुरी शक्तियां, वह सभी नष्ट हो जाती हैं। जहां भी आप जाते हैं आपको सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही काला जादू बुरी शक्ति इत्यादि भी आप पर कोई असर नहीं करती। माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके साथ ही यदि आपको किसी इंटरव्यू या किसी बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो रोज़ सुबह आप इस मंत्र को केवल 3 बार पढ़ लें, उसके बाद आप अपना कोई भी काम आरंभ करें। दोस्तों देखिएगा आपको अवश्य ही उन कामों में सफलता हासिल होगी। दोस्तों यह मंत्र अत्यंत सरल है और कोई भी इसे आसानी से जप कर सकता है, परंतु इसका जो प्रभाव होता है वह अत्यंत आश्चर्यजनक होता है और व्यक्ति के असंभव कार्य को भी यह संभव बना देता है। अब हम आपको इस मंत्र के जाप करने का तरीका बताएंगे और किस समय इस मंत्र को आपको जपना है यह बताएंगे। दोस्तों आपको यह मंत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब दिव्य ऊर्जाएं धरती पर मौजूद होती है और इस समय की गई कोई भी पूजा या साधना बहुत जल्दी सफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको यह मंत्र जपना है। आप स्नान इत्यादि कर लें और इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त, जिन लोगों को पता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है तो हम आपको बता दें, ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का। इस समय के बीच में ही आपको यह मंत्र जपना है। दोस्तों स्नान इत्यादि करने के बाद आपको आप कोई भी शांत जगह चुन ले जहां आप इस मंत्र का जाप कर सके। अब आपको सूर्य जहां से उगता है उस दिशा में अपना मुख करना है, यानी पूर्व दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। उसके पश्चात आप बैठ जाए और अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान अपने मन में करें और अब आपको यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र आप केवल 3 बार बोले, इतना ध्यान रखें। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का 3 बार जाप करने के पश्चात आप जो भी आपकी मनोकामना है वह हनुमान जी के सामने रखें। अपने मन में हनुमान जी को ध्यान करते हुए ऐसा सोचें कि हनुमान जी आपके सम्मुख हैं और आप अपनी प्रार्थना हनुमान जी को बता रहे हैं। उसके बाद आप
अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने आंखें खोल सकते हैं, तत्पश्चात आप अपना कार्य आरंभ करें। दोस्तों, यदि आप रोज़ सुबह ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। खासकर मंगलवार और शनिवार का दिन तो आप बिल्कुल ही ना छोड़ें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप यदि आप इन मंत्रों का ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो और भी उत्तम है। परंतु अगर आप प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करें तो 3 बार अवश्य कर लें और इसका प्रभाव आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान।